तो ये देखिए हमारा यूनिक स्टाइल में परवल का भुजिया बनके तैयार है। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने लगभग 5 परवल लिए हैं, तो इसे हमने धो के अच्छे से काट लिया है। आप चाहे तो इसे छील के भी बना सकते हैं, इसके छिलके को निकाल के। तो हमने दोनों तरफ से इस प्रकार से डंठल को काट लिया है, हम बगैर छिलका उतारे इसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से पतले पतले शेप में हम काट लेंगे, कुछ इस प्रकार से बिल्कुल गोल गोल और पतले पतले शेप में इस प्रकार से। तो नॉर्मली लंबे लंबे काट के तो आपने बनाए होंगे, उसमें थोड़ी सी मसाला डाल के बनाने से बहुत ही बढ़िया लगता है वो भी। तो इस प्रकार से आप एक बार बनाएं, यूनिक और बिल्कुल ही झटपट बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो सारे परवल को हमने इस प्रकार से काट लिया है। तो 2 दिन पहले हमने लाए थे परवल, तो थोड़े से हल्के पीले हो गए हैं। तो ये देखिए प्याज भी हमने 2 से 3 प्याज लिया, उसे भी गोल गोल काटा है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार के मोटाई में, और 2 से 3 हमने हरी मिर्च को इस प्रकार से काटा है। तो अब हम एक फ्राई पैन में बिल्कुल थोड़ी सी तेल डालेंगे और उसको हीट करके इसे डालेंगे, ताकि हमारा ये जो है अच्छे से हमारा ये फ्राई हो सके परवल। परवल को फ्रेंड्स बहुत जगह पट्टल भी बोलते हैं। तो ये देखिए मिलाने के बाद हमने इसे कवर करके इसे पकाया है। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपको बन के तैयार हो जाती है। तो कवर हटाने के बाद हम इसे चला लेंगे इसे, ताकि अच्छे से ये हमारा मिल सके। और ये अच्छे से देखिए इसका कलर भी हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक छोटी चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे। जीरा हमने पहले इसीलिए ऐड नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि ये भुजिया की रेसिपी जो है हम पहले जीरा डालेंगे तो जीरा हमारा जल जाएगा। तो इसीलिए हमने जीरे को 2 से 3 मिनट परवल को पकाने के बाद डाला है। तो फिर से हम चला लेंगे और इसे हम एक बार और कवर करके इस प्रकार से पकाएंगे। तो ये देखिए देखिए बिल्कुल ये कलर चेंज हो रहा है हमारा परवल का। तो अब हम इस स्टेज पर फ्रेंड्स जितने भी हमने प्याज काटे हैं और जो हरी मिर्च को हमने काट के रखा है, तो उसे हम डालेंगे। तो इस प्रकार के ही अब प्याज का शेप भी काटें, ताकि जो ये रेसिपी बनेगी बहुत ही बढ़िया और यूनिक देखने में भी और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगेगी। तो प्याज इस स्टेज पर डालने का मेन मीनिंग ये है कि पहले डालेंगे तो प्याज हमारा जल्दी पक जाएगा, और इस स्टेज पर डालेंगे तो प्याज हमारा ज़्यादा नहीं पकेगा। तो हमें ज़्यादा प्याज को पकाना नहीं है। तो प्याज डालने के बाद हम इसे कवर करके फिर से इसे ढक्कन हटा के इसे चलाएंगे। तो ये देखिए प्याज का भी आपको देखने से लग रहा हो कलर हल्का सा चेंज हो रहा है और ये सॉफ्ट भी हो रहा है। तो इसी स्टेज पर फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारा लगभग 50% ज़्यादा पक गया है, तो यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी हल्दी। तो इसमें सिर्फ हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है मसाले में और कुछ नहीं डाला है। तो इस प्रकार की मसालेदार रेसिपी तो परवल की आपने बहुत बार खाई होंगी, लेकिन इस प्रकार से केवल हल्दी डाल के आप बनाए बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट लगने वाला है, क्योंकि मसाले खा खा के बोर हो गए होंगे। तो ये बिल्कुल हल्के मसाले हल्दी डाल के बनाए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मसाले डालने के बाद हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट और पका लेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया ये पक गया है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। 30 से ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो फाइनली ये देखिए हमारा परवल और प्याज का भुजिया बनके तैयार है। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म परवल की भुजिया बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर इस रेसिपी को बनाएं फ्रेंड्स, और कम मसाले में इस रेसिपी का आनंद उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय भारत।